श्याम जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मजेदार सी रेसिपी। वो है भरे हुए बैंगन। और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज बहुत पसंद आने वाली है। ये इसके अंदर कट लगा ली, मैं आपको दिखाती थी सेंटर में। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट इसको बनाना। इसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल। आपको कर लेंगे गरम और साथ में डालने वाली हूँ इसके अंदर चॉप की हुई प्याज। ये मैंने दो दरमियानी साइज की प्याज ली थी, उसको चॉप कर ली है। अब इसको कर लेंगे फ्राई। जी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब जाएगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून है मैंने। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी लहसुन और अदरक को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिए। इसके बाद जाएगा इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट है। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े और 3 से 4 अदर ले ली थी मैंने मिर्चें, उनको मैंने ग्राइंड कर लिए। अब वो भी इसके अंदर जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो मैं मसाले भी साथ ही ऐड कर दूंगी। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर नमक। नमक जो ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून है। कूटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून है। अभी इसको थोड़ी देर हम और भूनेंगे। जी मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब साथ ही मैं जो बैंगन है उनकी फिलिंग कर लूंगी। ये मैंने आपको कट जो थे वो दिखाए थे, मैंने कट लगा के रख दिया था। यही मसाला पकड़ के आपने इसके अंदर फिल कर लिए ऐसे। इसके सेंटर में हम डालते जाएंगे और जो बाकी के बैंगन है उनको भी हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। बैंगन की जो है फिलिंग के बाद अब जो बैंगन है वो इसी मसाले के अंदर हम तो इस तरह से रख देंगे और साथ में डालूंगी इसके अंदर इमली का पानी। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था। ये पानी डालकर हम इसको दम पे रख देंगे बैंगन को, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रखना है। बैंगन को चेक करेंगे, बैंगन जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। जब तक अब मैं लास्ट में डालूंगी इसके अंदर कटा हुआ हरी धनिया। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।